नमस्कार बच्चों, हम लोग आप लोगों का सभी का ओम साईराम क्लासेस में स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम उन 20 बहादुरों को सत सत नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारे देश की सेवा की है और हम लोगों की रक्षा की है। ठीक है बच्चों, दुख है बट खुशी भी है, इतने बहादुर लोग, हमें गर्व है कि हम ऐसी कंट्री में पैदा हुए हैं जहां पर ऐसे वीर लोगों ने जन्म लिया। मैं कर्नल संतोष के बाबू को भी सत सत नमन करता हूं जिन्होंने लीड किया उस दौरान। ठीक है बच्चों, आज मैं अपने इंडियन आर्मी के ऊपर आपको एक बहुत बेहतरीन स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, और ये चाइना भी एक बार इस स्टोरी को जरा सुन ले तो उसे समझ में आएगा कि भारत की रियल ताकत क्या है। उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम लोग कितने बहादुर हैं, और एक बार वो भी अच्छी तरीके से जान लेगा। बच्चों मेरी ये स्टोरी एक ऐसे से चालू होती है, एक यूनिट है जिसका टैगलाइन है ये, उसके गोल्डन वर्ड्स में आज भी उस यूनिट में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया है। हुआ ये एक बार रात को, ये यूनिट उत्तरांचल में पोस्टेड थी जब, तो उत्तरांचल में क्या हुआ कि रात के टाइम ऑफिसर्स का खाना चल रहा था, तो जब ऑफिसर्स का खाना चल रहा था तो उनमें आपस में बातचीत होने लगी, किसी बात का डिस्कशन होने लगा, तो टाइम होते होते रात के एक बज गया। तो थोड़ा खाना सर्व करने के लिए बावर्ची ने पूछा कि सर हम लोग खाना सर्व कर दें, तो उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि नहीं अभी हमारी मीटिंग चल रही है। तो टाइम होते होते फिर से बच्चों 1:30 बज गया, तो बावर्ची फिर आया कि सर क्या हम लोग खाना सर्व कर दें, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी हाफ एन आवर और लगेगा, हाफ एन आवर के बाद हमारी आप क्या करिएगा खाना सर्व करिएगा। तो 2 बज गया रात के, अंधेरा हो गया क्योंकि वो उत्तरांचल साइड पे जो जंगल थे उसमें अंधेरा हो गया पूरा। बच्चों अंधेरा हो जाने के कारण वहां पर कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ ऑफिसर्स मेस की लाइट जल रही थी। बावर्ची ने खाना सर्व किया, खाना सर्व करने के बाद ऑफिसर वहां से निकले, तो रात के लगभग 2:30 बज गए। 2:30 बजे ऑफिसर सारे निकल गए, तो बावर्ची का काम होता है सारे बर्तनों की सफाई करके, और वो खाना ज्यादातर जो ऑफिसर्स को सर्व किया गया था वो नॉनवेज खाना था, तो वो बावर्ची उसके खाने की सफाई कर रहा था, तो बाहर कुत्तों की भौंकने की आवाज भी आ रही थी। तो बावर्ची क्या किया, रात का अंधेरा था तो बावर्ची उस सामान को लेकर अपने गया और उसने बाहर उस सामान की सफाई करना चालू किया, तो उसके हाथ में एक कलचुआ भी था जिससे सफाई करते ना सब्जी बनाते हैं, कलचुली कहते हैं उसको, तो वो भी था। तो वो क्या कर रहे थे कि वो जो बचा हुआ नॉनवेज था वो फेंक रहे थे, कुत्ते उसे खा रहे थे, पर उसने देखा कि एक कुत्ता जो है वो बार बार उसके हाथों से वो नॉनवेज की चीजें छीन रहा था, वो नॉनवेज मांस बार बार उसके हाथों से छीन रहा था बावर्ची को। तो बावर्ची ने एक बार उसको दे दिया, फिर वो कुत्ता दोबारा आया, दोबारा आके उसने फिर उसके हाथों से छीनने की कोशिश की बावर्ची के, बावर्ची ने फिर दे दिया। वो कुत्ता थर्ड बार आया तो फिर से उसने हाथों से छीन लिया, इस बार बावर्ची को गुस्सा आ गया, तो उसने सफाई करने के दौरान वो कलचिया उठा के उस कुत्ते के एक बार मारा, सही है, फिर वो कुत्ता दोबारा वापस नहीं आया। सफाई के दौरान जैसे वो कुत्ता उनके पास आया उस बार हाथ से मांस लेने, उसने उस कलचुए से उसको बहुत कस के मारा, चला गया कुत्ता चला गया। सुबह हुई, जैसी सूरज की पहली किरण देखा तो लोग आश्चर्यचकित थे, वो एक बहुत बड़ा तेंदुआ था, सुन रहे हैं, वो बहुत बड़ा तेंदुआ था जो कि एक नॉर्मल कुत्ते से 4 गुना बड़ा तेंदुआ था। तो उस कंपनी का, उस यूनिट का जो टैगलाइन है बच्चों वो बहुत गौर से सुनिएगा, जब हमारा बावर्ची एक कलचुली से एक तेंदुआ मार सकता है तो हमारे सैनिक क्या करेंगे। बच्चों चाइना वालों को शायद ये मालूम नहीं है कि हमारे देश के जब बावर्ची कलचुली से क्या मार सकते हैं, तेंदुआ मार सकते हैं, तो हमारे सैनिक क्या करेंगे, शायद वो चाइना वाले ये जानते नहीं है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं आज भी कि इन चीनियों को तो हम पानी में घोल के पी जाते हैं, इनकी औकात क्या है। थैंक यू बच्चों, हमारा तो भिंड मुरैना ही है ना, वही उनकी जान ले लेगा, तो भैया मौका तो दो, यहाँ लड़के पत्थर लिए तो ऐसे घूमते रहते हैं। पर हम लास्ट में फिर से सत सत नमन करते हैं, ओम साईं राम क्लासेस की तरफ से सत सत नमन करते हैं इन 20 बहादुरों को, ठीक है, और जो इतनी लद्दाख में इतनी डिफिकल्ट कंडीशन में भी हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं, वहां अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। हम सत सत नमन करते हैं ऐसे लोगों को, धन्यवाद।